क्वेश्चन नंबर पांच, प्रायिकता ज्ञात करनी है क्वेश्चन नंबर पांच में। क्या है क्वेश्चन नंबर पांच? एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित जो है 455 बार आता है, बट 545 बार आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब चित आने की भी प्रायिकता ज्ञात करनी है और पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, दोनों प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 1000 बार। तो जो 1000 लिखा हुआ है वो हो जाएगा क्या? कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000। अब निकालना है अपने को चिताने की प्रायिकता। तो चिताने की संख्या कितनी दी हुई है? 455। चित आने की संख्या कितनी देख रखी है? 455। इसको एक घटना मान लेते हैं। माना चित आने की घटना इवन है, तब चित आने की प्रायिकता, तब चित तब चित आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? चित आने की प्रायिकता P1, मतलब घटना E1 के घटित होने की प्रायिकता। तो क्या है चित आने की संख्या? चित आने की संख्या बटे में लिखा हुआ है कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो चित आने की संख्या कितनी? 455। कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी? 1000। जब 1000 से 455 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.455। ये हो जाएगा चित आने की प्रायिकता। इसी प्रकार जो है पटाने की प्रायिकता निकालनी है, तो पट आने की संख्या कितनी देख रखी हुई है? इसी क्वेश्चन में पटाने की भी प्रायिकता निकालनी है। पहले चिताने की निकाल लिया, पटाने की निकाल लेते हैं। तो पट आने की संख्या कितनी देख रखी हुई है? 545। माना पट आने की घटना, इसको E2 मान ले, माना पट आने की घटना E2, तब पट आने की प्रायिकता PE2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा क्या? पट आने की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो पट आने की संख्या कितनी? 545 बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी? 1000। तो ये कितना हो जाएगा? 0.45। ये इसका आंसर हो जाएगा 0.545। ये निकाल लिया अपने पट आने की संख्या, पट आने की प्रायिकता। इसके पहले अपने निकाल लिया था चित आने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर छह क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर छह लिखा हुआ है कि दो सिक्के को एक साथ 500 बार अगर उछाला जाता है तो निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? जो दो चित आने की जो संख्या दी हुई है वो 105 दी हुई है और एक चित आने की संख्या 275 दी हुई है। कोई भी चित आने की संख्या दी हुई है कितनी? 120। तब इन तीनों की प्रायिकता निकालनी है, मतलब दो चित आने की प्रायिकता, एक चित आने की प्रायिकता और कोई भी चित नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है, मतलब प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी दी हुई है? 500, क्योंकि सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 500 बार। अब अपने को सबसे पहले निकालना है दो चित आने की प्रायिकता, मतलब इसके लिए लिखेंगे अपन क्या कि दो चित आने की संख्या
दो चित आने की संख्या कितनी दी हुई है क्वेश्चन ने, 105। तब इसको एक घटना मान ले, तो माना दो चित आने की घटना इवन है तब दो चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, दो चित आने की प्रायिकता पी ई वन बराबर दो चित आने की संख्या, दो चित आने की संख्या बटे में हो जाएगा क्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो दो चित आने की संख्या कितनी दी हुई है, 105, कुल अभिप्रयोगों की संख्या 500। इसको 5 से भाग दे देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये 100 बार। ये वाला कितनी बार कट जाएगा, 21 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 21/100। 21/100 का मतलब 0.21। ये आ गया दो चित आने की घट प्रायिकता। इस प्रकार इसका पार्ट टू हल करेंगे, मतलब एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कुल अभिप्रायों की संख्या तो 500 रहेगी, एक चित आने की संख्या कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 275। हो जाएगा 275। एक चित आने, माना एक चित आने की घटना कितनी है, अपन इसको E2 मान ले, तब एक चित आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE2 बराबर एक चित आने की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो एक चित आने की संख्या कितनी देख रखी है, 275। तो ये लिखा 275 बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या जो देख रखी है कितनी, 500। इसको सबसे पहले 5 से काट दें तो ये कट जाएगा, फिर ये दो बार चल जाएगा, फिर ये कितनी, ये 5 बार चल जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 55/100। 55/100 का मतलब होता है कितना, 0.55। ये आ गया क्या, एक चित आने की प्रायिकता कितनी, 0.55। अब निकाल लेंगे कोई चित नहीं आने की प्रायिकता, वो कितनी देख रखी है, कोई चित नहीं आने की संख्या कितनी देख रखी हुई है, कुल परिणाम कुल अभिप्रायों की संख्या तो 500 रहेगी, कोई चित नहीं आने की संख्या कितनी देख रखी हुई है, ये देख रखी हुई है 120। माना कोई चित नहीं आने की घटना को E3 मान ले, तब क्या हो जाएगा, तब कोई चित नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, PE3 बराबर कोई चित नहीं आने की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो ये हो जाएगा क्या, कोई चित नहीं आने की संख्या बटे हो जाएगा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रय कुल अभिप्रयोगों की संख्या। कोई चित नहीं आने की संख्या कितनी, 120। कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी, 500। इसको 5 से काटेंगे, ये कट जाएगा कितनी बार, 100 बार। ये कितनी बार कट जाएगा, 24 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 24/100 का मतलब होता है कितना, 0.2।
2, 4 ये क्या आ गया, कोई चित नहीं आने की प्रायिकता। इसके तीनों क्वेश्चन हल हो गए। पहला था दो चित आने की प्रायिकता निकाल लिए, फिर था एक चित आने की प्रायिकता निकाल लिए, फिर था कोई चित आने की प्रायिकता निकाल लिए। तो ये कोई चित नहीं आने की प्रायिकता की कितनी, 0.24। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है क्या कि एक टेलीफोन निर्देशिका के एक पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई वाले स्थान वाले अंक का बारंबारता बंटन दिया हुआ है। ये बारंबारता उसका बंटन दिया हुआ है। इसमें क्या ज्ञात करना है, यदि संख्या को यादरक्षा चुना जाता है तो इकाई के स्थान पर 6 के होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब जो अंक 6 आ रहा है, ये अंक 6 आ रहा है, इसकी जो बारंबारता जो 14 आ रही है, इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, दिया हुआ है टेलीफोन नंबरों की संख्या, टोटल टेलीफोन नंबरों की संख्या देके रखिए, टेलीफोन नंबरों की संख्या, टेलीफोन नंबरों की जो संख्या देके रखी है वो देके रखी है 200। अब इकाई के अंक पे जो आ रही है बारंबारता, इकाई का अंक जो 6 है उसकी बारंबारता कितनी है, इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की बारंबारता, बारंबारता कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 14। तब मानेंगे क्या, माना इसको एक घटना मान ले, माना इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की घटना, आने की घटना ई हो, तब प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई बराबर, पी ई का मतलब है इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की प्रायिकता। तो ये पी ई बराबर क्या हो जाएगा, 6 अंक आने की बारंबारता बटे कुल टेलीफोन नंबरों की संख्या, बटे टेलीफोन नंबरों की संख्या। तो ये देख रहा है 6 अंक आने की बारंबारता कितने देख रखी हुई है, ये देख रखी हुई है 14। टेलीफोन वाले नंबरों की संख्या देख रखी है कितनी, 200। इसको अगर 2 से काटे तो ये कितनी बार आ जाएगा, 100 बार, ये हो जाएगा 7, मतलब 7/100। इसका मतलब क्या होता है, 0.07। ये आ गया क्या, इकाई के स्थान पर 6 अंक आने की प्रायिकता, 0.07। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आएगा इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है क्या, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब महिला द्वारा चौका न मारे जाने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो खेली गई कुल गेंदों की संख्या कितनी है, खेली गई कुल गेंदों की संख्या, ये देख रखी है क्वेश्चन ने 30, चौका मारे जाने की
संख्या 6 गेंद, मतलब 6 बार 30 गेंदों में से 6 बार वो चौका मारती है, मतलब 6 गेंद पे चौका मारती है। तो बच्ची कुची जो 24 गेंद है उस पे वो मतलब महिला चौका नहीं मारती है, तो चौका ना मारे जाने की संख्या या गेंदों की संख्या तो कितनी हो जाएगी 24। अपने को इसी की प्रायिकता निकालना है, किसकी, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, मतलब चौका ना मारे जाने वाले की प्रायिकता निकालनी है। तब प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तब चौका ना मारे जाने की प्रायिकता, प्रायिकता तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, प्रायिकता बराबर हो जाएगा चौका ना मारे जाने की संख्या, चौका ना मारे जाने की संख्या बटे में हो जाएगा खेली गई कुल गेंदों की संख्या, कुल कुल गेंदों की संख्या। तो ये कितनी है, चौका ना मारे जाने की संख्या कितनी दी हुई है, 24 लिखा, 24 कुल गेंदों की संख्या 30। इसको काट दें अगर 6 से तो ये 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, कितना जाएगा ये 4/5। अब इसको भाग देंगे तो कितना जाएगा 0.8, ये हो जाएगा इसका आंसर 0.8। ये आ गया चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, दो बच्चे वाले 1500 परिवारों का यादक्षा चयन किया गया जिसके आंकड़े निम्न, कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिसमें से उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें कितने दो लड़कियां हो, एक लड़की हो और कोई लड़की ना हो। तो अपन ने क्या कर लिया, मान लिया कि दो बच्चों वाले कुल परिवारों की संख्या 1500 है जिसमें दो लड़कियों वाले परिवार 475 है, एक लड़की का परिवार 814 है और जिसमें कोई लड़की ना हो ऐसे परिवार कितने हैं, 211 है। तो इनकी एक घटना मान ली, माना E1 E2 E3 क्रमशः दो लड़की एक लड़की और कोई भी लड़की ना हो ऐसी घटना अपन ने मान ली है। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे, सबसे पहले PE1 निकालें। PE1 का मतलब हुआ है जिसमें दो लड़की हो, तो दो लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता, दो लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, तो PE1 बराबर कितना हो जाएगा, दो लड़की वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या, तो ये हो जाएगा कितना 475 बटे 1500। इसको काट लें, 5 से काट लें तो ये कितनी बार कट जाएगा 300 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 95 बार, फिर 5 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा 60 बार, ये कट जाएगा कितनी बार 19 बार, तो इसका कितना जाएगा 19/60। ये ऐसे परिवार की प्रायिकता हुई जिसमें दो लड़कियां हो। अब इसी प्रकार अपन निकालेंगे एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता और जिसमें कोई लड़की ना हो ऐसी प्रायिकता, तो ये कितना हो जाएगा, एक लड़की वाले परिवार की संख्या मतलब PE2 बराबर एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, तो ये कितना हो जाएगा PE2 बराबर कितना हो जाएगा, दो लड़की एक लड़की वाले परिवारों की संख्या 814 बटे में कितना हो जाएगा 1500, 814 बटे के हो जाएगा कितना 1500, 814 बटे 1500 को काट लें, पहले 2 से काट लें तो ये कितनी बार जाएगा 2×8, फिर ये सुनने लग जाएगी, फिर ये हो जाएगा 407/700
50। ये कौन से वाले परिवार की संख्या आ गई जिसमें केवल कितनी लड़कियां हों, एक लड़कियां हो। अब इसी प्रकार अपन निकाल लेंगे जिसमें कोई भी लड़की ना हो, कोई भी लड़की ना हो मतलब PE3 बराबर कोई लड़की ना हो, कोई लड़की ना हो वाले परिवार की प्रायिकता, प्रायिकता तो ये PE3 बराबर हो जाएगा कितना, 211, 211 बटे 1500, ये हो गया इसका आंसर। सबसे पहले अपन ने लिखा दो बच्चे वाले कुल परिवारों की संख्या 1500, जिसमें दो लड़कियां हो ऐसे 475 परिवार है, एक लड़की हो 814 परिवार है, कोई लड़की ना हो ऐसे 211 परिवार है। इन तीनों को एक घटना मान लिया, पहले निकाल लिया दो लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता, फिर निकाल लिया एक लड़की वाले परिवार की प्रायिकता, इसके बाद निकाल दिया जिसमें कोई लड़की ना हो ऐसे वाले परिवार की प्रायिकता। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तो इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारता निम्न है। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो तीन सिक्कों को एक साथ उछाला गया मतलब कुल अभिप्रायों की जो संख्या दी हुई है वो दी हुई है 200, संख्या दी हुई है कितनी 200, और चित आने की बारंबारता दी हुई है दो चित आने की बारंबारता दे के रखी है कितनी 72। इसकी प्रायिकता निकालना है कि दो चित आने की प्रायिकता निकालना है। माना दो चित आने की घटना ई है तब प्रायिकता पी ई बराबर कितनी हो जाएगी दो चित आने की बारंबारता, दो चित आने की बारंबारता बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, बटे में जाएगा अभिप्रयोगों की संख्या। तो दो चित आने की बारंबारता दी हुई है 72, और ये दिया हुआ है कुल अभिप्रयोगों की संख्या 200, 200 काट देंगे तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा कितना 36, तो ये हो जाएगा कितना 36 बटे में हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.36, इसका आंसर आ जाएगा इसका दो चित आने की प्रायिकता 0.36। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया, प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी में दिया गया हुआ है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी और सांख्यिकी पसंद ना करने वाले विद्यार्थी। तो इसमें दिया हुआ है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी हुई है 200 देके रखी हुई है, सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी 165 देके रखे हुए हैं, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी 65 देख रखे। अपन ने इनको मान लिया E1 और E2 सांख्यिकी पसंद और नहीं पसंद करने वाले विद्यार्थियों के, अपन ने इसको एक घटना मान ली है। तो PE1 मतलब जो विद्यार्थी सांख्यिकी को पसंद करते हैं उसकी प्रायिकता, तो PE1 बराबर 135 बटे 200। 135 क्या है सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 200 क्या है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो इसका आंसर आएगा कितना 27 बटे 40।
इसी प्रकार हमने PE2 निकाल लिया, मतलब जो विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद नहीं करते हैं, तो PE2 बराबर 65/265 आया क्या सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थी, और 200 आ गया क्या कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो ये इसको काटा जब 5 से तो ये आ गया कितना 13/40। ये हो गया आंसर PE1 और PE2 का, मतलब सांख्यिकी पसंद करने वाले और सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता।